भाई नाराज हो हमसे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बुआ बुआ, हम लोग अभी वही डिसाइड कर रहे हैं कि आज कहीं जाने का प्लान है कि नहीं, क्योंकि सैटरडे है, मौसम अच्छा है, तो हम सोच रहे थे किसी पार्क में जाएंगे, वहाँ पे जू और वो सब भी था, लेकिन उधर का हिसाब बन नहीं पा रहा है, तो अब देखते हैं क्या करना है। फाइनली जंगल सफारी, बट वो क्या 1.5 घंटा लगेगा जाने में, 1.5 घंटा आने में, और 6 बजे वो बंद हो जाता है, तो वहाँ पे शायद डजंट मेक सेंस प्रैक्टिकली, मैं बहुत थक जाऊँगा अपने। फिलहाल नाश्ता कर लिया जाए और दिन की शुरुआत कर ली जाए। दिव्य ने लगाया हुआ हेयर मास्क जो इन्होंने घर पे बनाया था, इसकी रेसिपी इनके चैनल पे है। चाय बना दी मैंने, मेरे कैमरे का जो वाइड एंगल लेंस है वो खराब हो चुका है, तो अब ये जो मैं 35mm लेंस है उससे कोशिश कर रहा हूँ व्लॉगिंग करने के लिए, तो मेरे को बहुत दूर जाके कैमरा सेट करना पड़ता है, फिर फ्रेम में आके फिर बात करनी पड़ती है, थोड़ा लंबा हो गया प्रोसेस। भाई आज एक ऐसी चीज़ मंगाई है ना तुम्हारे भाई ने, मतलब अगर वो सही हुई ना दिखाऊंगा आपको, धूप इतनी ज़्यादा है, मैंने सनस्क्रीन से पोती है अपने मुँह पर, वाओ की ना, मेरे पास 50 FPS वाली सनस्क्रीन पड़ी हुई थी, मैंने लगाई बढ़िया तरीके से 10 मिनट पहले, अब मैं ज़रा लेके आता हूँ, वो लॉकर में मैंने मंगवाया था, मैंने कहा बाई चांस हम कब सुबह सुबह निकल जाते हैं तो फिर मैं शाम को भी उठा सकता हूँ, ये लॉकर वाला ऑप्शन बढ़िया सेफ रहता है, ये देख लेते हैं, अगर अच्छा लगा ना प्रोडक्ट मेरे को तभी आपको बताऊँगा। ये आ गया मेरा अमेज़ॉन लॉकर, देखो ऐसा ईमेल आता है, जितना मैं सोच रहा था उससे काफ़ी बड़ा बॉक्स है। गाड़ी का इंजन ऑयल चेक कर लेते हैं, बेसिकली इंजन लाइट आ रही थी तो मैंने इंजन ऑयल का लेवल चेक किया, उसके 10-15 मिनट बाद वो लाइट चली गई। होपफुली अभी मेरा आज के लिए तो काम चल जाएगा, कल इसको मैं वर्कशॉप ले ही जाऊँगा, कल या परसों, में डेट भी मिलती नहीं ना इतनी जल्दी। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, तो हमारे साथ गौरव, अवि, सुरभिताई और हम सब जा रहे हैं, बेसिकली मेघा और विक्रम नहीं आ पा रहे क्योंकि वो लोग अपना किसी दूसरे काम में बिजी हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं, ये किसी गाड़ी है, ऐसा लग रहा है खिलौना है, यहीं पे हम गौरव अभी से मिलेंगे, मिलाप हो चुका है, अब चलेगी चाय। हाँ अब चलेगी चाय, ये मेरी ड्यूटी हो चुकी है, अब ये मुझे चाय ले आनी चाहिए। वैसे इतनी गर्मी में तो ऐसे मौसम आइसक्रीम आइसक्रीम का, लेकिन हम वैसे हम चाय पीते हैं, यू कैन हैव आइसक्रीम। मैं ये सोच रहा था अभी ना बोट लेते हैं वहाँ से जो प्राइवेट वाली होती है और उसमें बैठ के चाय पीते हैं और वो मजा आएगा। चलो घर से कप लाने की ड्यूटी मेरी थी, मैं भूल गया सॉरी, तो हम जा रहे हैं पाउंडलैंड, वहाँ से उठाएंगे कप, फिर हम बोट में बैठ के चाय पीएंगे अपने, मतलब प्लान तो यही है, प्लान हमारे अलग ही होते हैं भाई, हमारे प्लान बनते हैं चाय के आसपास। अपने को कप मिल गए, ये ऐसे बंद हो जाता है पूरा? हाँ ये अभी खुला था, बंद कर दिया ये, तो अब बोटिंग बंद या? जब आएगी यहाँ से तो हर बार खोलते हैं जब कोई बोट आती है, हम बोट लेंगे भी तो ये फिर से खोलेंगे, हम इस साइड आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बोटिंग के लिए लाइन में लगते हैं। जैसा हो गया क्योंकि हम 5 एडल्ट्स हैं और एक बेबी, तो वो कह रहे हैं 6 लोग नहीं आ सकते बोट में, वो कह रहे हैं चाय का वेट ज्यादा है, कीचू को भी एडल्ट काउंट, कीचू को पूरा एडल्ट काउंट कर रहे हैं। हमने बोला, मैंने कहा हमने सिर्फ 2 साल का है, वो कह रहे हैं नहीं लेकिन 5 ही बंदे आ सकते हैं, तो मतलब जो है बोलो ना कि 102 है तो वो मान जाते हैं, पता नहीं क्यों मानते हैं। हाँ मतलब छोटा सा बच्चा है वो थोड़ी जगह लेगा, वो तो गोद में बैठने वाला है ना। चलो कोई नहीं, चाय अपन घर से लेके चलते हैं क्योंकि इधर चाय मिलती नहीं है इस तरह की, इधर मिलती है डिप वाली चाय, होना बहुत जरूरी है, और कॉफी वाले हमें नहीं।
सेटिस्फेक्शन नहीं होती कॉफी पी के, सेटिस्फेक्शन नहीं है बस वही है, कॉफी है वैसे तो भी चल जाती है बट ले देखो गौरव अभी वाटरमेलन जूस भी लेके आए हैं फ्रेश एकदम, वाह 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 तो खुश हो जाएगा वाटरमेलन को इतना पसंद है कि हां खुश हो गए इतना। किसी ने किसी की फुटबॉल हाईजैक कर ली थी आजा किचू चलो आ जाओ किचू तो यहाँ से हम निकल रहे हैं, हम बहुत ज्यादा धूप है, अब हम जा रहे हैं भाई कहाँ शेक्सपियर के घर दिखा रहे हो, शेक्सपियर के घर के सामने बिल्कुल okay. बाहर से दिखाएंगे, बाहर से दिखाएंगे अंदर ही लेके जाएंगे रख लेता है वो अंदर जाना अच्छा कहेगा पूरा दिन चाय पी के जाना हमारे साथ, फिर ठीक है खाना खा के जाना हां हां तो ये जो घर है ये शेक्सपियर का घर है, इसके अंदर भी जा सकते हैं टिकट लेके, फिर फिलहाल हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि हमने आगे जाना है, लेकिन दिस इज द हाउस उस टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा घर है, आई थिंक वो लेदर का काम करते थे कुछ, ही वाज रिच, शेक्सपियर के पापा का बिजनेस था लेदर का, दैट्स व्हाई ही कुड अफोर्ड दिस बिग हाउस, बिग हाउस हां क्योंकि वो इतना बड़ा बिजनेसमैन था तो वो इतना बड़ा घर अफोर्ड कर सकता, काफी बड़ा घर है उस हिसाब से, ये उस साइड लेदर शॉप होती थी पीछे की साइड पे, अंदर आप जा सकते, प्रिजर्व किया हुआ पूरा, प्रिजर्व किया हुआ है अंदर, जो उनके वॉलपेपर्स थे वो दे आर ऑल हैंड पेंटेड वॉलपेपर्स, वाओ इफ यू लुक क्लोजली थ्रू द विंडो यू वुड बी एबल टू सी इट, ओके इवन इफ यू डोंट वांट टू गो इनसाइड, देखें जरा अंदर क्या है, तो कितना पुराना वॉलपेपर है, खिड़की के अंदर से दिखा रहा हूँ आपको मैं, ऐसी ऐसे पहले खिड़कियाँ हुआ करती थी जैसे ये इसके अंदर है, ये प्रिजर्व करने के लिए बाहर इन्होंने शीशा लगा दिया और बाकी सब खिड़कियाँ चेंज कर दी हैं, ऊपर बेडरूम था हाँ शेक्सपियर का, वो छोटी सी ना वो पॉट रखी हुई है जिसमें बॉर्न बेबी आता है, अच्छा अच्छा तो वो रखी हुई है, वेरी नाइस, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, हम यहाँ पे कम से कम 4-5 बार आ चुके हैं लेकिन अभी तक शेक्सपियर का घर देखा नहीं था, फाइनली आज देख लिया है और काफ़ी बड़ा घर था, काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है, आ गए यहाँ पे स्पेशली छोले भटूरे खाने, कीजू पापड़ खा रहे हैं अभी क्योंकि हम सभी खा रहे हैं, हमने ऑर्डर किया है अमृतसरी कुलचा और छोले भटूरे, इतनी भूख लगी हुई कि पापड़ ही नहीं रुक रहे हमारे, पापड़ इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, ये वो वाले जो इंडिया गेट पे मिलते थे 5 रुपए के 3 चटनी के साथ हाँ। जब अर्जुन 5 साल के थे यहाँ फ्री मिलते हैं ये क्योंकि आ चुके हैं आलू का पराठा बढ़िया एकदम पंजाबी स्टाइल, कितना संस्कारी बच्चा है रहेगा गोवा की जान, समझ बोला उसने चुके हैं अमृतसर कुलचे, तो भाई हम लोग अभी गौरव अभी के यहाँ पहुँच गए हैं, मतलब खा पी के फिर से खाने पीने थोड़ी देर, अब सोच रहे हैं क्या खाए अब उससे पहले गेम खेलेंगे और रिटर्न में आ रहे हैं, फिर यार कॉल कर रहे थे उठा ही नहीं रहे, वो उनके घर के वहीं थे ना, अच्छा पिक कर लेते हैं, चलो देखते हैं, विक्रम का तो फोन ऑफ आ रहा था, यू गेट मी चेक मेट समवनस वाचिंग ऑन द फोन, आई हैव क्लियर्ड आउट द रूम आल्सो दैट यू कैन गेट टू बी द बिग स्पून, भाई हमारे घर आते ही अर्जुना भाई अपना मस्त पोछा मारने लग गए, पोछा डिस्कवर किया है, ये बेस्ट चीज है इसमें, ये है ठीक है हाँ, ये स्प्रे है, ये कह रहा स्प्रे होके लिक्विड निकलेगा और फिर आपने बस ऐसा कर देना, और क्या चाहिए है ना, सही है सिस्टम, ये ले लो हाँ भाई, नाराज हो हमसे ऐसे बैठे हो, सूरज मंगवाया था ये था प्रोजेक्टर, छोटा
छोटा सा प्रोजेक्टर है। नॉट बैड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल। अगर आप अभी तक सब्सक्राइबर नहीं है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन पर दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि जैसी वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सी यू टू।